अगर आप सोच रहे होंगे कि चाइना लद्दाख की वीरान पहाड़ियों से लेकर नॉर्थ ईस्ट की बंजर जमीन और साउथ चाइना सी के समुद्री क्षेत्र तक हर जगह इतना आक्रामक होकर विस्तारवाद की नीति क्यों अपनाता है, तो आपको बता दूं कि इसका सबसे बड़ा कारण है प्राकृतिक संसाधनों का लालच, जिनके इस्तेमाल से चाइना लाखों करोड़ों बिलियन डॉलर्स हर साल कमाता है। अकेले तिब्बत रीजन की बात करें तो चाइना वहां से हर साल बहुत ही बड़ी मात्रा में यूरेनियम और गोल्ड के भंडार की माइनिंग करता है। बस यही कारण है कि प्राकृतिक संसाधनों से भरे तिब्बत को चाइना ने अपने कब्जे में लेकर रखा हुआ है, जिसके बाद अब उसकी अगली नजर भारत के अरुणाचल प्रदेश पर भी है, ताकि उस पर कब्जा करके वहां के प्राकृतिक संसाधनों का भी चाइना भरपूर लाभ उठा सके। मगर इसी बीच अब खबर निकल कर आ रही है कि भारत को भी अब नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश राज्य में चाइना से लगती सीमा यानी बॉर्डर के बिल्कुल पास यूरेनियम के बड़े भंडार मिले हैं, जो कि भारत को रातों रात मालामाल कर सकते हैं। और खास बात यह है कि भारतीय सरकार ने इनकी एक्सप्लोरेशन पर काम तेजी से शुरू कर दिया है। दरअसल द टाइम्स ऑफ इंडिया, अमर उजाला, बिजनेस लाइन और कई बड़े बड़े मीडिया हाउस के वाले से ये मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि भारत को अरुणाचल प्रदेश में चाइना से लगती सीमा के 3 किलोमीटर अंदर बहुत ही बड़ी मात्रा में यूरेनियम रिजर्व्स होने के साक्ष्य मिले हैं और अब उसकी एक्सप्लोरेशन का काम शुरू हो गया है। और इस चीज की जानकारी खुद एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च EMD के डायरेक्टर DK सिन्हा ने दी है। हैदराबाद में आयोजित एक सेमिनार के दौरान उन्होंने बताया कि वो यूरेनियम की एक्सप्लोरेशन के लिए अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा के अंदर मैचुका वैली के सबसे सीमावर्ती गांव तक चले गए हैं, जहां पर यूरेनियम की एक्सप्लोरेशन के बाद माइनिंग की जानी है। उन्होंने आगे बताया कि भारत में यूरेनियम की खोज अभियान में अभी तक बहुत ही पॉजिटिव यानी सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। आगे जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि आज की डेट में यूरेनियम की एक्सप्लोरेशन का कार्य हिमाचल प्रदेश में भी चल रहा है, जबकि मणिपुर राज्य में भी लोकल लोगों ने इसकी माइनिंग की परमिशन दे दी है। इसी के साथ आसाम, नागालैंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और झारखंड में भी यूरेनियम एक्सप्लोरेशन का काम तेजी से चल रहा है। DK सिन्हा ने यह भी बताया कि झारखंड में यूरेनियम एक्सप्लोरेशन के दौरान वहां पर तो गोल्ड और बाकी के प्रीशियस मेटल्स भी डिटेक्ट हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यूरेनियम को इतनी तवज्जो क्यों दी जा रही है और ऐसा इसमें क्या खास है, तो आपको बता दूं कि यूरेनियम स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक दोनों तौर पर भारत के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक रूप से देखा जाए तो यूरेनियम का इस्तेमाल खास तौर पर न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए किया जाता है, जिसकी वजह से इसका महत्व किसी भी देश के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। वहीं डिफेंस की बात करें तो सबमरीन्स, नेवल शिप्स, आइस ब्रेकर से लेकर एयरक्राफ्ट कैरियर, इन सभी में फ्यूल के तौर पर आज की डेट में यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं इकोनॉमिकली देखा जाए तो यूरेनियम के आइसोटोप्स का इस्तेमाल न्यूक्लियर रिएक्टर्स में पावर जनरेशन यानी बिजली बनाने के लिए भी किया जाता है, जो कि किसी भी देश की तरक्की में अहम भूमिका निभाती है। वहीं मेडिकल फील्ड की बात करें तो रेडियोथेरेपी और गामा थेरेपी में भी यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। इसलिए देखने में यूरेनियम का छोटा सा अंश भी एनर्जी यानी ऊर्जा का बहुत ही बड़ा स्रोत होता है। अब अरुणाचल प्रदेश में यूरेनियम कितनी क्वांटिटी में मिलने का अनुमान है, ये तो अभी सामने निकलकर नहीं आया है, लेकिन खुशी की बात यह है कि यूरेनियम की एक्सप्लोरेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। कुछ महीने पहले वेनेडियम और अब यूरेनियम की खोज दर्शाता है कि भारत के अरुणाचल प्रदेश को चाइना क्यों हड़पना चाहता है। वैसे भारत में कुछ लोगों का मानना है कि प्राकृतिक संसाधनों का खनन नहीं करना चाहिए, मगर इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या देश की धरती में मौजूद प्राकृतिक संसाधनों की खोज करके उनका खनन किया जाना चाहिए, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना, ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।